दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सुबह के 7 बज चुके हैं तो हम अपने कबूतरों को बाहर ले आए हैं रूम से निकाल के। आज मौसम भी ठीक हो रहा था, हम इनका घर खोलते हैं। देखो कितनी स्पीड से निकलेंगे घर में से। देखिए दोस्तों, कबूतर तो आपने सारे देख ही रखे हैं हमारे, कितने सुंदर कबूतर हैं। देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया, इस वाले कबूतर और फिर काली वाली कबूतर, दोनों की काली आँखें हैं। इन दोनों को देख सकते हो, इन दोनों का जोड़ा बन गया है। पहले तो लड़ाई होती थी दोनों आपस में, अब चोंच में चोंच बढ़ा के रहते हैं दोनों। देखो इतने सुंदर हैं दोस्तों। तो बाकी इस ये अंडा दे रखा था इन वाली कबूतरी ने। एक ये वाला कबूतर साइड वाला का, ये वाला तो कबूतर है और ये कबूतरी साइड की। तीन अंडे दिए थे, तो एक अंडा इनका फूट गया, तो एक रह गया था अंडा। तो ये पाल नहीं रहे थे ढंग से अंडा, तो मैंने इस वाले कबूतर को दे दी। देखो दिखाता हूँ कौन से वाले कबूतरी को दे दी। उल्टा है, देखो ये कबूतर है, तो ये परवरिश कर दी दोनों अंडे। दिखाता हूँ दोनों अंडे। इस वाले कबूतरी का भी अंडा मैंने इसे दे दिया, क्योंकि ढंग से अंडा सेक ली थी। इस पर सेकने नहीं आते अंडे, घूमती ज़्यादा अंडे कम सेकती है। तो देखो दोनों अंडे आप देख सकते हो, एक पर लड़ाकू कबूतरी का, दोनों अंडे दिखाता हूँ। काटती है अंडों से, हाथ में लगाने देती। इसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं और भी। अंडों से हाथ में लगाने देती है, थोड़ा ज़बरदस्ती करनी पड़ती है इसके साथ। देखो दोनों अंडे मेरे, दोनों अंडों की सगाई खुदी करती है। अभी अपना तो अंडा सीख ही रही है, उसका भी अंडा सीख रही है दोस्तों। ये दोनों है, बाकी इन दोनों का जोड़ा बन गया है। देखिए अभी बाहर निकलेंगे, निकला है बाहर। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी वीडियो हम रोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी अब हमने बच्चों का घर बदल दिया, पहले नीचे वाले में रहते थे कबूतर दोनों कबूतरों के साथ, अब हमने दोनों कबूतरों का घर चेंज कर दिया, बच्चे ऊपर शिफ्ट कर दिए। ऊपर वाले रूम में देखो बैठे दोनों बच्चे, देख रहे हो आपको, देखो ये दोनों बच्चे हमने ऊपर शिफ्ट कर दिए। अभी 10-15 दिन में उड़ने लगेंगे। ये देखो कूद आए बच्चे, ये बच्चे कूद आए भाई। कबूतरी अपना अंडों को सेट कर ही रही है, वो देख सकते हो आप। और दोस्तों एक बात और कहना भूलूंगा, अगर आपको अपने गर्मियों में कबूतर बचाने, गर्मियों में ज़्यादातर कबूतर मर जाते हैं, बीमारियाँ होती हैं, फोड़ा फुंसी, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो कबूतरों को बचाने के लिए जितनी ठंडी जगह में रखा जाए, जितनी ज़्यादा पंखे की हवा में रखा जाएगा, तो बच्चे भी देंगे तो बच्चे भी नहीं मरेंगे पंखे की हवा में। तो वैसे अगर आप रखोगे ना कहीं, वैसे अगर बनाए पक्का घर बनाए तो उसमें गर्मी रहती है ज़्यादा, बच्चों को फोड़ा फुंसी। हमारे दो बच्चे एकदम फ्रेश हैं दोनों बच्चे, कहीं से कहीं तक इतनी सी भी बच्चों के वो नहीं है, इतनी सी भी फोड़ा फुंसी निकली होंगे, क्योंकि पंखे की हवा में रहते हैं, पंखा और कूलर की हवा में रहते हैं दोनों बच्चे। तो एकदम ठीक बच्चे हैं दोनों दोनों। तो बच्चे और कबूतरों को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगह में रखिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, तो बीमारियों से मर जाते हैं। गर्म कबूतरों में गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो बीमारी से कबूतर मर जाते हैं फोड़ा फुंसी निकल के। तो इसलिए इसे गर्मी में, अगर वैसा भी घर बना रखा हो तो एक पंखा ऐसा लगाइए, उसमें जाली वाली लगा के, जिससे कि गर्म हवा बाहर फेंकता रहे और अंदर ठंडी ठंडी हवा आती रहे, गर्म हवा फेंकने वाला, तो कबूतर आपके एकदम नॉर्मल रहेंगे। ना बच्चों को दिक्कत रहेगी, ना कबूतरों को दिक्कत रहेगी। हमारे कबूतर पंखा की हवा में सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थी और फुर्ती के लिए हाथ मारते उड़े जाते हैं। देखो ये देखो कैसे उड़ते हैं, हल्का सा इशारा देते उड़े जाते हैं कबूतर हमारे। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गर्मियों में बच्चे और अंडे बचाने हैं कबूतरों के, तो मैंने आपको बताया वही करना, इससे आपके भी कभी बीमार, कभी कबूतर आपके बीमार नहीं होंगे। तो कुछ दिन में ये ऊपर जो कबूतरी बैठी है, इसका जोड़ा बन चुका है नीचे वाले कबूतर से, दोनों काली आँखें इसकी उसकी। तो इन दोनों के बच्चे तक देखते हैं कैसे निकलेंगे, अभी अंडा देंगे कुछ दिन में। देखो ये वाले कबूतर, ये दोनों देखो, दिखा दो ये दोनों, आगे वाला कबूतर पीछे वाली कबूतरी है। तब जो अंडा देंगी दोनों, एक अंडा देगी वाले कबूतर, तब आपको बच्चे दिखाते हैं कैसे निकलेंगे। फिलहाल तो अभी अंडे रखे नहीं है,
जब अंडे रख देंगे तो आपको बच्चे दिखाते हैं, ताकि दो बच्चा देखो ये हेल्थी हैं आपके, देख सकते हो आप दोस्तों। दो कबूतर लाए, दो कबूतरों से देख लो कितने सारे बच्चे कर दिए हमने, दो कबूतरों से खूब सारे हो गए बच्चे। अभी कोशिश करते उड़ने के, अभी उड़ नहीं पा रहे, कुछ दिन में 15 दिन में उड़ने लगेंगे ये बच्चे, 15 दिन में इनको फुल पंख आ जाएंगे। जी अभी कोशिश करते हैं उड़ने की, 15 दिन में फुल पंख एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, सारे पंख निकले आएंगे 15 दिन में। तो दोस्तों हमने आपको एक अच्छी ट्रिप दी, तो आप चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों चलते हैं, बाय, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।